हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, बहुत ही खूबसूरत सा हरा भरा प्लांट है जो आपके गार्डन में हमेशा हरा भरा रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। ये समर का बहुत ही परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। इसमें छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होती हैं। इस पत्तियों में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 साल का प्लांट है और इस प्लांट की आप हेल्थ देख सकते हो, कितना अच्छा प्लांट है। इसमें बहुत छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं और गुच्छों में फूल खिलते हैं। जैसे एक ब्रांच में बहुत सारी छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं, यहाँ पर मैं बर्ड आपको शो कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से छोटे छोटे सी बर्ड्स होती हैं और हर बर्ड पर छोटे छोटे से फूल खिलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे से फूल होते हैं इसमें, और जब वो इकट्ठा खिलते हैं ना तो वो गुच्छे में बन जाते हैं जो देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इसकी केयर की बात करें तो ये पूरा सनलाइट लवर प्लांट है। आप इसको जहाँ भी प्लेस करेंगे ऐसी जगह प्लेस कीजिएगा जहाँ पर पूरी सनलाइट इसको मिल सके। जहाँ भी आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तभी इसकी पत्तियों और फूलों का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और इसकी पत्तियों में उतनी ही ज़्यादा शाइनिंग आएगी, क्योंकि ये जो सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी से ही बहुत अच्छे से ग्लो करता है ये प्लांट। इसलिए इसको हमेशा सूरज की रोशनी में रखिएगा, कम से कम 6-7 घंटे की इसको धूप मिलनी चाहिए, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। ये इंडोर प्लांट नहीं है, इंडोर में रहने के बाद ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, तो हमेशा आप इसको आउटडोर ही रखिएगा और फुल सनलाइट में रखिएगा। इसके बाद इसकी जो छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, बहुत सारी ब्रांचें इसकी पतली पतली सी निकलती हैं जो कि ग्रीनरी देने में इसकी हेल्प करती है, क्योंकि बहुत नज़दीक नज़दीक इसकी छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं जिससे ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी नज़र आता है। और अगर हम इसकी और केयर की बात करें तो इसको आप बॉन्साई भी बना सकते हो। बॉन्साई बनाने के लिए ये प्लांट बहुत बेस्ट है। इसका जो स्टेम होता है, इसका स्टेम बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है और उस स्टेम में से बहुत छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती हैं। वो ब्रांचेस ज़्यादा हार्डी नहीं होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, जैसे अभी मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका जो तना होता है। औरों में थोड़ी बहुत लचक होती है जैसे किसी प्लांट में, बट इसमें थोड़ी सी भी लचक नहीं होती है, इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है और बॉन्साई के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसको हम एक मिनी ट्री भी बोल सकते हैं, जो एक पेड़ की शेप में भी आप इसको बना सकते हो। यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी को हल्की सी गुड़ाई कर देंगे। ऊपर की जो थोड़ी सी मिट्टी है, 1 से आधा इंच तक, आप इस मिट्टी को थोड़ा सा लूज कर लीजिए। यहाँ पर मैंने जो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है केंचुए से बनी हुई खाद होती है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो इसकी पत्तियों को ग्रीन रहने में और ग्लो करने में हेल्प करेगा, जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है ये, और कंपोस्ट होता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी कुछ सीवीड एक्सट्रैक्ट के दाने। इसमें बेहद एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसका सबसे अच्छा अंदाज़ा है देने के लिए कि आपका जितना बड़ा प्लांट है, जितना बड़ा पॉट है, आप केवल उतने ही दाने अपने प्लांट को दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 दाने इसमें लिए हैं और इसमें मैं यहाँ पर मिट्टी में इसको मिक्स कर दूंगी, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना लें। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर बना लिया है जो कि मैं पाउडर फॉर्म में ही दूंगी, और इसको बहुत कम मात्रा में देना है। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये जो है फूलों को गिरना भी कम करता है और पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जैसे ही प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया में आता है, उसको जनरेट करता है ये, और हरा बना बनाने में भी हेल्प करता है। आपको क्या करना है, 1/2 चम्मच मस्टर्ड पाउडर लेकर 1 लीटर पानी में भिगा कर रख देना है 2 से 3 दिन, फिर उसको पानी के साथ डाइल्यूट करके आपको अपने प्लांट में दे देना है। मैं यहाँ पर फिलहाल पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ,
आपको दिखाने के लिए। इस तरीके से आप इसको दे दीजिए। बस बरसात में इस पाउडर का आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मस्टर्ड केक के पाउडर का यूज़ करने से उसमें फंगस का अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सभी तीनों चीज़ों को इस तरीके से मिला लिया और पूरी तरह से चारों तरफ से इसमें हम मिक्स कर देंगे। और ऊपर से चाहे तो आप हल्की सी लेयर एक मिट्टी की रख दीजिए, ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट है, जो भी हमने इसमें अभी अपना फर्टिलाइजर या कंपोस्ट ऐड किया है, उसको जो है सूरज की रोशनी में वो ख़त्म ना हो। वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें मिट्टी में जब हम मिक्स कर देते हैं तो अपने आप नीचे की तरफ चला जाता है। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है। इसमें सबसे खास बात मैं आपको एक और बताऊं कि इसमें फ्रेंड्स कोई भी कीड़ा अटैक नहीं करता है। जब से मैंने ये प्लांट अपने गार्डन में लगाया है, तब से मैंने इसमें कोई भी इंसेक्ट नहीं देखा है और परमानेंट ये लगातार फ्लावरिंग करता है। बस सर्दियों में ये फ्लावरिंग नहीं करता है। 12 महीने ये प्लांट आपके गार्डन में बना रहेगा और खूबसूरत भी दिखता रहेगा। इसमें देखिए बहुत ही खूबसूरत इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही ज़्यादा शाइनी कर रही हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हो, ये जो हम इसको अगर प्रोपोगेट की बात करें तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और हम इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से तो मैंने अभी इसको ग्रो नहीं किया है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊँगी। मैंने इसको सीड से ग्रो किया है, जो कि मैं लास्ट में आपको शो करूंगी कि वो सीड से किस तरीके से ग्रो हुआ है और उसकी ग्रोथ भी दिखाऊंगी कि कितनी ग्रोथ हुई है। बहुत छोटा सा टिनी प्लांट है और आप उसको जो है सीड से ग्रो कर सकते हो, आसानी से ग्रो हो जाता है। बरसात में अक्सर इसका जो सीड्स है वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट होता है और उसके बाद आप जो है इसको गर्मियों में भी ग्रो कर सकते हो। लेकिन गर्मियों में आप इसको मार्च या अप्रैल में ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है इसके ग्रो करने का, तभी ये प्लांट बहुत आसानी से आपके गार्डन में तैयार हो जाएगा। क्योंकि पहले तो इसकी ग्रोथ होती है और बाद में छोटे से प्लांट में ही इसकी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाती है और बहुत ही हार्डी और स्ट्रॉन्ग प्लांट है। यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही हूँ अपना सीड से ग्रो हुआ मधु कामिनी का प्लांट। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और छोटे से ही जो इसका तना होता है थोड़ा सा हार्डी होता है और ऊपर से बिल्कुल ट्री की शेप में होता है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया, उस टाइम पे अगर आप इसको सीड ग्रो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो